यूं तो है तुम्हारे लाख चाहने वाले, लाखों में हो तुम जो एक ही। बताओ मोहब्बत और प्यार में क्या फर्क है? प्यार दोस्ती है, मोहब्बत वो दोस्ती निभाना है। ये दोनों ही करण जोहर ने बनाया आई थिंक, बट आपके लिए आई थिंक दोनों सेम ही चीज है, बट द ओनली थिंग इज दैट मोहब्बत साउंड्स लाइक अ हेवियर वर्ड, दैट्स द ओनली डिफरेंस फॉर मी। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड रियलाइजिंग कि कभी आप 80% पे हो तो मैं 20% पे हूँ, या मैं 80% पे आप 20%। लाइफ इज नॉट, नो रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एवरीथिंग इज नॉट 50-50। आपका जिस दिन आपकी बैटरी लो है तब मेरे को रिचार्ज करना है, जब मेरी बैटरी लो है आपको रिचार्ज करना है। दैट्स हाउ एवरी रिलेशनशिप वर्क्स, इवन लव। ये सिंगिंग के बाद मोटिवेशनल स्पीकर बनने का प्लान तो नहीं चल रहा? हाँ, कोई अच्छे टॉक शो पे जाएंगे। यूट्यूब चैनल खोल लो आज आप खुद ही का, और उसमें क्या पैसा कमाओगे मैं बता रहा हूँ। इतने लोग पैसा ले लेंगे कमाते। तो मुझे एक बात बताइए कि आप दोनों भाइयों में से, क्योंकि दोनों रोमांटिक है ना, दोनों ही बना लेते हैं, दोनों में से ज्यादा रोमांटिक इन रियल लाइफ कौन है? एक तरफा आशिक मैं हूँ। अच्छा। अरमान को दो तरफा मोहब्बत मिलती रहती है, बट वी बोथ आर इक्वली। आई थिंक डैड इज द रीजन फॉर दिस, कि ही इज वेरी रोमांटिक। या एट 60 ऑल्सो इज सुपर सेक्सी 60, एंड द वे ही विल स्मॉदर माय मॉम विद हग्स, किसेस, एंड लाइक उनको फर्क नहीं पड़े बच्चे साथ में, कौन देख रहा है। सो हम लोग वैसा पीढ़ी है, तो हम लोग दोनों बहुत शर्मीले रहे, हम लोग नहीं कर पाते, बट seeing my dad's love for mom, I think both the boys are extremely romantic at heart, both of us. वहाँ से आ रहा है। वहाँ से। अच्छा, तो एक तरफा मोहब्बत किससे हुई आपको? जैसे मुझे माधुरी दीक्षित से हुई थी, उनने मुझे मतलब कभी मिली ही नहीं, तो कभी वरना हो भी सकता था। मुझे लगता है कि स्कूल में एक बार हुई थी मुझे, 7th स्टैंडर्ड में एक तरफा मोहब्बत जो 11th स्टैंडर्ड तक चली। हाँ? मैंने कभी बोला ही नहीं उस इंसान। You never told her? No. ये मैंने, और अब मैं बोलूंगा भी नहीं, मुझे बोलना ही बोलने के लिए, उसकी शादी हो चुकी, बच्चा हो चुका है। तो क्या हुआ यार, इमेजिन उसको अगर पता चल जाएगा कि तुम्हें उससे प्यार, तो हो सकता है वो आ जाए अमला की तरह साड़ी ले जाती हुई। नहीं यार, सबके साथ मैं लद्दाख नहीं जा सकता शूट करने, ठंड बहुत थी। नहीं नहीं, आई थिंक दैट वॉज माई फर्स्ट प्यार एक तरफा, एंड यू नो उस उम्र में जब होता है ना, हाँ, वो, और अगर इतने टाइम तक चल जाए, देखो हम कितने कमिटेड आशिक है। yeah. एक तरफा प्यार भी 4 साल चला लिया। बताओ बताओ, कमिटमेंट की कोई कभी नहीं है लड़के में। अच्छा, क्योंकि अब हम इतनी देर से आपके मोहब्बत और आपकी मोहब्बत, हाँ, बहुत मोहब्बत के बारे में बात कर रहे हैं, गाना एक बार अगर आप सुना दे तो मजा आ जाएगा। यू तो है तुम्हारे लाख चाहने वाले, लाखों में हो तुम जो एक ही। फिर भी सोचता हूँ मैं तुम्हें बता दूँ, बात ये जो तुमसे ना कही, कुछ इस तरह से तुमको चाहेंगे हम, तुम ही से लड़ेंगे, तुमको मनाएंगे हम, तुम्हें अपने दिल की धड़कन बनाएंगे हम, मोहब्बत तो करके देखो निभाएंगे हम। ये आया शाहरुख, और शाहरुख खान को ये वाली क्लिप टैग करके ना पूरा एक्शन भी हुआ है।